जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आप सब इंतजार कर रहे हैं आंसर की का। मुझे पता है जितने भी बच्चे जिनका पेपर हो गया अभी, जो भी YouTube पे वीडियो देख रहा है वो सब आंसर की के बारे में ही जानना चाहते हैं कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि लगभग लगभग SSC GD की तैयारी करने वाले जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन सबके मन में यह है कि एक बार आंसर की देख ले, उसके बाद में डिसाइड करें कि अपने को फिजिकल करना है या नहीं करना है। वैसे तो जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा, जिन्होंने पेपर अटेंड किया अच्छे से, उन सबको तो पता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आंसर की देखने के बाद में मन में संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमारे इतने नंबर तो आ जाएंगे और हमारे स्टेट से या हमारे यहाँ से SSC GD की जो कट ऑफ है वो पिछली बार कितनी रही थी, उसके अनुसार फिर बच्चे फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। आप भी इसी भरोसे होंगे, तो पहले तो मैं आप सबको अलर्ट कर देता हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि आंसर के आने के बाद में हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें। क्यों? क्योंकि अप्रैल के माह में आपके फिजिकल है, ध्यान रखना, और जो कट ऑफ है वो भी आपके इसी महीने में आ जाएगी, यानी मार्च अंतिम दिनों में आपको SSC की पहली कट ऑफ यानी फिजिकल की कट ऑफ आ जाएगी। तो इसीलिए आपको फिजिकल की तैयारी सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए। अब रही बात आंसर के की, आंसर के को लेकर एक चीज आपको, आपने सबने देखी होगी, जब SSC GD ने एग्जाम हुआ था इसका, या एग्जाम से पहले यह शेड्यूल जारी किया था कांस्टेबल GD ने, उसमें एग्जाम की लोग लास्ट डेट दे रखी है, वो दे रखी है 11 और 12 मार्च 2024। अब आप सबने देखा होगा कि हम भी, मैंने खुद ने भी ये वापस देखा कि आंसर की का लिंक तो जनरेट हो गया 8 तारीख हुई, लेकिन आई क्यों नहीं। तब मैंने ये देखा कि 7 मार्च तक हम एग्जाम फिनिश मान रहे हैं, लेकिन एग्जाम खत्म नहीं हुए, एग्जाम इसके जो क्लोज होगा वो होगा 12 मार्च को, यानी आपकी आंसर की 13 मार्च या 14 मार्च को आएगी, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही खत्म नहीं हुए। साउथ के कुछ 2-3 साउथ के स्टेट जैसे कि केरला, तमिलनाडु इस साइड में, वहां पर अभी भी एग्जाम है। लास्ट जो एग्जाम है वो है 12 मार्च को, यानी 12 मार्च 2024 को फाइनल एग्जाम होंगे SSC के, उसके बाद में आंसर की आएगी, उससे पहले तो आंसर की आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आज हो गई 11 तारीख, कल का समय और है, यानी कल ये एग्जाम खत्म हो जाए SSC GD का, उसके बाद में आएगी भाई आंसर की, यानी या तो आएगी 13 मार्च को या 14 मार्च को, ज्यादा जो चांस है वो है 14 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। और हाँ, अब यहां पर एक चीज और है कि आंसर की तो 14 मार्च को आ जाएगी, फिजिकली जो कट ऑफ आपकी वो भी मैं आपको बताऊं, मार्च के अंतिम वीक में आ जाएगी भाई। मार्च का जो अंतिम वीक रहेगा उसमें आपकी फिजिकल की कट ऑफ भी आ जाएगी कि कौन कौन बच्चे फिजिकली लिए क्वालिफाई होंगे। अप्रैल माह में आपके फिजिकल होंगे, अप्रैल अंतिम से अप्रैल के माह में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, उस समय आपके सारे डॉक्यूमेंट होना भी आपके पास में जरूरी है। ध्यान रखना, फिजिकल के समय ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो उस समय आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर अप्रैल माह से पहले पहले आपके सारे फिजिकल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ध्यान रखें, वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, यानी आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है या जिस जिले से फॉर्म भरा है आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, 3 सर्टिफिकेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर इनमें कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका नुकसान आपको फाइनल मेरिट से पहले देखने को मिलेगा। यानी मान के चलिए कि आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लिखा जो नक्सल एरिया है, अब आपके पास में उसका है नहीं कुछ डोमिसाइल, तो फिर आपको अंतिम में निकालेंगे बाहर, अभी नहीं अंतिम में बाहर निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। जितने बच्चे आंसर किंग का इंतजार कर रहे हैं अभी आपको 2 दिन और इंतजार करने की जरूरत है, हो सकता है कि या तो 13 मार्च को आए या 14 तक आपके आंसर की आ जाएगी, उससे ज्यादा डिले नहीं होगी। आंसर की आने के बाद में आप चैलेंज भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चनों को, लेकिन हाँ 14 मार्च को आएगी तो भी ये मान के चलना 31 मार्च के आसपास आपके फिजिकल की भी घोषणा हो जाएगी, किस डेट से SSC GD का फिजिकल शुरू होगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी, ना केवल आंसर की के लिए। ठीक है लाडू, जय हिंद जय भारत।